कोई लाभ न रहने के बावजूद शतरंजन शाह ने पिछले 15 सालों से देशभक्ति दिखाते हुए राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। वो अकेले ही नहीं, इस काम में उनका पूरा परिवार उनका मदद कर रहा है। कोरोना काल में लोगों की रोजी रोटी दांव पर होने के बावजूद वो 2 महीने से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की मांग को ध्यान में रखते हुए सभी कामों को दरकिनार कर राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। सिलीगुड़ी से सटे डाब ग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पूर्वी चैनपुरा इलाके के निवासी शतरंजन शाह राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले उस क्षेत्र के एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका नाम और प्रशंसा पूरे इलाके में हो रहा है। अगर झंडा बनाने वाले का घर का पता जानना चाहते हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का घर का पता पता है। उस इलाके में स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, चारों ओर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सजाया जा रहा है। विभिन्न दुकानों और बाजारों को तिरंगा से सजाया गया, एक उत्सव जैसा माहौल बन गया है। 15 अगस्त को देश की जनता देशभक्ति की जुलूस में शामिल होते हैं। वहीं इस समय राष्ट्रीय ध्वज की काफी मांग होती है। वहीं शतरंजन शाह को राष्ट्रीय ध्वज से पैसे कमाने से ज्यादा देशभक्ति राष्ट्र ध्वज बनाने में सक्षम होने पर गर्व है। शतरंजन शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से 2-3 महीने पहले से ही वो राष्ट्रीय ध्वज बनाने में लग जाता है। पिछले वर्ष लगभग 12,000 राष्ट्रीय ध्वज बना चुके हैं। इस साल भी लगभग 15,000 राष्ट्रीय ध्वज वो बना रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले साल से इस साल झंडा का मांग ज्यादा है। 3 मास आगे थी तैयारी शुरू हो जाए। लॉकडाउन बाजारे बाजार खूब खराब, तब टुकटाक चलते बना खुर्चा कम बिक्री होना देशर पताकार জন্য সবাই আগ্রহ কম বেশি, আর স্কুল বন্ধ তো এই জন্য ছোট পতাকাটা একটু কম চলবে। আচ্ছা, বড় পতাকাটা অনেক চলছে সব জায়গায়, স্কুল কলেজ। আপনি কোথায় কোথায় এগুলো সাপ্লাই দেন? এগুলো সাপ্লাই কিছু আছে বিধান মার্কেট, মহাবিস্তান। আমি মহাবিস্তানেই বেশি সাপ্লাই দেই। আচ্ছা, মহাবিস্তান দোকানে দেই, ওরা হোলসেলে বিক্রি করে দেয়। কিরকম রোজগার হয় এতে? রোজগার মোটামুটি জিনিস হিসাবে কিংবা খাটনি হিসাবে তেমন কিছু পয়সা নাই। এখন এটা পয়সা কম থাকলেও কিন্তু এইগুলো বানাইতে এবং খুব আনন্দ লাগে, তাই সেই আনন্দতেই আমি কাজ করি। পয়সা তো হিসাবে কাজ হিসাবে সেরকম পয়সা নেই। আচ্ছা, এটা গর্ব অনুভব করে? গর্ব মনে, দেশের জিনিস, দেশের একটা গর্ব। এটা যদি সঙ্গে এই যে আমি মার্কেটে গেছিলাম, একটু আগে আসলাম, এই কালারের 3 কালারের মাল নিয়ে আসলাম, তখন সবাই বললো যে পতাকা হবে, ওই যে একটা আনন্দ দাদা পতাকা বানান, এই এই আনন্দতেই আমি কাজ করি, পয়সা কম বেশি যাই হোক না কেন। গতবারে তো করোনা ছিল, গতবার কি বিক্রিটা কম হয়েছিল? গতবারের থেকে এবার একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। বিক্রি বেশি আছে? বিক্রি একটু বেশি আছে। 3 মাস আগের থেকেই তৈরি। সর্বভারতীয় শাড়ি, লেহেঙ্গা, চুড়িদারের বিপুল সম্ভার নিয়ে আপনাদের সেবায় আমরা প্রস্তুত। কোভিড-19 যুদ্ধে সরকারি রীতি মেনে 3G নেক্সট জেনারেশন সম্পূর্ণভাবে তৈরি। RRN রোড, কানাড়া ব্যাংকের পাশে এবং মান্নাবার শোরুমের দোতলায়, কোচবিহার।